सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार गेट एग्जाम के सिलेबस के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस के जो इंजीनियरिंग के किस किस ईयर में पढ़ाए जाते हैं। और इस वीडियो में हम स्पेशली सीएससी ब्रांच के बारे में बात करेंगे, मतलब सीएससी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, मतलब वो बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से गेट एग्जाम को देने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम बात करें ऑफिशियल सिलेबस की, तो वहां पर हमें टोटल 11 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास सीएससी के अंदर? मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक्स, COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटा बेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर नेटवर्क CN, TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन एंड एप्टीट्यूड। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं सीएससी के अंदर, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे कि जो मैथमेटिक्स है उसको मैंने दो पार्ट्स में कर दिया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और जो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं टोटल 13 सब्जेक्ट्स जो कि आपको पढ़ने हैं गेट के लिए सीएससी के अंदर। नाउ नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे कि यार कौन से सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के किस किस ईयर में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो है मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है हमें पढ़ा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा है सी प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिजिटल लॉजिक। सी प्रोग्रामिंग आपको स्पेसिफिकली पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट होता है, डिजिटल लॉजिक का सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता हमारा सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में आपको मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है गेट सीएससी का वो पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, DBMS, COA, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड TOC। जो TOC है वो हमें एक्जैक्टली TOC के नाम से नहीं पढ़ाया जाता, ये सब्जेक्ट ऑटोमेटा के नाम से होता है इंजीनियरिंग में। इसके बाद हमारा बचता है एप्टीट्यूड, जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, इस टाइप के जो भी वर्क एंड टाइम वाले जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एप्टीट्यूड आपको करना है, ठीक है। सो इस तरीके से जो मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं गेट सीएससी के वो आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ा दिए जाते हैं, मतलब सेकंड ईयर के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड ईयर से आप तैयारी करने कर रहे हो, तो अब आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो, अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है और अपने सेमेस्टर और गेट के लिए पहले अपनी तैयारी शुरू करनी है, अगर आप सेकंड ईयर से तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका ऑफिशियल सिलेबस, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको IISc बैंगलोर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का जो सिलेबस है वो आपको IISc बैंगलोर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्च करना है गेट IISc बैंगलोर और वहां पर आपको कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये सीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर आपको सेम सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, डिजिटल लॉजिक, COA, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, TOC, कंपाइलर डिजाइन, आगे आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेट। तो इस तरीके से जो सिलेबस है यार उसमें हमारे टोटल 11 से 13 सब्जेक्ट आप मान सकते हो, और इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप गेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सिलेबस के बारे में बात करी, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस ईयर में पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग के वो हमने देखा, और बाकी इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं सीक्वेंस पे एक वीडियो बनाऊं कि कौन से सब्जेक्ट्स के बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस सीक्वेंस मुझे सारे सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने चाहिए, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी जितनी भी चीजें थी वो सारी मैंने इसमें कवर कर दी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे यार, जो भी बच्चा गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। और अगर आप चाहते हो मैं इसी तरीके की वीडियोस गेट से रिलेटेड बनाता रहूं, तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी इस वीडियो में इतना यार, फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।